जिस महारिकॉर्ड पर 16 साल से भारतीय दिग्गज युवराज सिंह का राज था वो आखिरकार आज टूट गया। जी हाँ, नेपाल के 23 वर्षीय खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ने T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 9 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया और युवराज के बरसों पुराने रिकॉर्ड को चूर चूर कर दिया। इस महारिकॉर्ड के साथ अब दीपेंद्र T20 क्रिकेट में फास्टेस्ट 50 लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। एशियन गेम्स में 27 सितंबर से मेंस क्रिकेट की शुरुआत हुई और पहले ही मैच में चौको छक्कों की ऐसी बारिश हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। नेपाल के 23 वर्षीय खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 9 गेंदों पर ही अर्धशतकीय पारी खेल दी। इसी के साथ वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले 16 साल तक ये रिकॉर्ड भारतीय दिग्गज युवराज सिंह के नाम रहा, मगर अब फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल 50 का रिकॉर्ड नेपाल के दीपेंद्र सिंह के नाम दर्ज हो गया। आपको बता दें कि साल 2007 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़ने के साथ ही सिर्फ 12 गेंदों पर 50 लगाकर इतिहास रच दिया था। लेकिन रिकॉर्ड है, कभी न कभी तो टूटता ही था और 16 साल बाद ये रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह ने अपने नाम कर लिया। न केवल दीपेंद्र सिंह ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास भी रच दिया, बल्कि मंगोलिया के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में कुशल मल्ला ने 34 गेंदों पर शतकीय पारी खेली है और उन्होंने रोहित शर्मा डेविड मिलर का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। इस टीम ने 314/3 का स्कोर खड़ा कर दिया जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। इतना ही नहीं, नेपाल की पारी में कुल 24 छक्के लगे जो आज तक के इतिहास में एक T20 इंटरनेशनल पारी में लगे सबसे अधिक छक्के हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल वर्सेस मंगोलिया के बीच खेला गया ये मैच क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।